देश की सबसे बड़ी पार्टी में से एक कांग्रेस की आज वो स्थिति हो चुकी है जो लगातार उनके नेता उनका साथ छोड़कर जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी आजादी से पहले 1885 में बनी और कई सालों तक देश की राजनीति में प्रमुख बनी रही। आज ये पार्टी भले ही विपक्ष में है, लेकिन कभी इसका देश भर में एक छत्र राज हुआ करता था। इस पार्टी में देश के कई बड़े नेता रहे हैं जिन्होंने देश को आगे बढ़ाने के लिए कई काम किए। पार्टी ने अपने लंबे इतिहास में कई बार उतार चढ़ाव देखे, कई बार पार्टी में टूट हुई, लेकिन इसका अस्तित्व आज भी कुछ हद तक बरकरार है। हाँ, हम ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आज ये पार्टी अपनी समाप्ति की ओर है और इसकी मुख्य वजह है इन दो साधुओं का श्राप। इन साधुओं के श्राप की वजह से कांग्रेस खत्म होती जा रही है। इस वीडियो में समझते हैं क्या है कांग्रेस के इस हाल का कारण। वर्तमान में कांग्रेस की हालत लगातार बद से बदतर होती जा रही है और इसकी वजह है करपात्री जी महाराज का वो बयान जो अब भी सभी को याद आ रहा है। करपात्री जी महाराज ने कांग्रेस को श्राप देते हुए कहा था कि एक वक्त आएगा जब कांग्रेस का नाश हो जाएगा और हालिया हालत में ये हो रहा है कि कांग्रेस देश में पूरी तरह से फिनिश होती जा रही है। बता दें कि नवंबर 1966 की बात है जब देश में गौहत्या बंदी आंदोलन अपने जोर पर था। करपात्री जी महाराज को इंदिरा गांधी मानती थी, लेकिन एक समय ऐसा आया कि करपात्री जी महाराज को संसद के सामने रोते हुए साधुओं की लाशें उठानी पड़ी। इसी समय करपात्री जी महाराज ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को श्राप दिया था कि कांग्रेस का नाश हो जाएगा और हाल ही के हालात इसी बात को बयां कर रहे हैं। दरअसल इंदिरा गांधी पर आरोप लगते रहे हैं कि गौवंश की रक्षा के लिए आंदोलन कर रहे 250 संतों को उन्होंने मरवा दिया था, जिसके बाद करपात्री जी महाराज ने कांग्रेस के सर्वनाश का श्राप दिया था, जिसका असर भी देखने को मिला और 2014 के बाद से धीरे धीरे कांग्रेस का नाश होना शुरू हो गया और आज कांग्रेस की क्या हालत है ये सब देख रहे हैं। ये बात हो रही है करपात्री महाराज जी की और इंदिरा गांधी के दौर की। अब बात करते हैं हालिया समय की। मौजूदा दौर में पार्टी में एक और साधु का श्राप कांग्रेस को लग रहा है, जिसकी वजह से साल 2024 चुनाव से पहले कांग्रेस की हालत खस्ता है। दरअसल रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण अस्वीकार करके कांग्रेस ने अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मार ली, जिसके बाद उसका खूब विरोध हुआ। पार्टी के कई नेताओं ने इस्तीफा दे दिया तो वहीं एक साधु ने फिर से कांग्रेस को श्राप दिया कि रामलला के निमंत्रण को अस्वीकार कर कांग्रेस ने भारी गलती कर दी, अब इसका सर्वनाश तय है। जी हां, इस बार ये श्राप पार्टी के नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने दिया है। मुझे लगता है कि ये कांग्रेस की हार नहीं है, ये वामपंथ की हार है। कुछ दिनों से कांग्रेस में कुछ ऐसे नेता घुस आए हैं और उनका बड़ा प्रभुत्व है। कांग्रेस के सभी फैसलों में उनकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है और वो कुछ नेता कांग्रेस को महात्मा गांधी के रास्ते से हटाकर वामपंथ के रास्ते पर ले जाना चाहते हैं। जहाँ तक रहा गठबंधन का सवाल, तो उसका तो अंतिम संस्कार नीतीश कुमार ने पहले ही कर दिया। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से पहली बार मिला, प्रधानमंत्री जी के ऊपर निश्चित ही किसी दैवीय शक्ति की कृपा है। उस एहसास को मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ। श्री कल्की धाम के शिलान्यास समारोह का निमंत्रण देने में माननीय प्रधानमंत्री जी को गया था, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ, मेरे निमंत्रण को स्वीकार किया। भारत के प्रधानमंत्री जी से मिलना कोई गुनाह नहीं है और यदि ये गुनाह है तो मैं इस गुनाह की सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ। और ले जा रही है तो कांग्रेस पार्टी, जो कांग्रेस पार्टी महात्मा गांधी के रास्ते पर चलकर यहाँ तक आई है। महात्मा गांधी जी की सभा की शुरुआत रघुपति राघव राजा राम पति तपावन सीता राम से होती थी। आज उस कांग्रेस को सनातन के विरोधी पार्टी के रूप में जाना जाने लगा है, ये दुर्भाग्य है। यकीन जानिए, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण जब से कांग्रेस ने अस्वीकार किया है, तब से ही आचार्य प्रमोद की बोली गई बातें सच साबित हो रही हैं। एक तरफ देवड़ा परिवार ने अपने 50 साल के रिश्ते को कांग्रेस से खत्म किया तो वहीं दूसरी तरफ INDI गठबंधन में भगदड़ मच गई। बिहार में नीतीश कुमार ने साथ छोड़ दिया तो वहीं केजरीवाल, ममता बनर्जी और अखिलेश यादव भी बगावत के मूड में है। ऐसे में 2024 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए राह आसान नहीं होने वाली है
और मोदी के सामने चुनौती पेश कर पाना भी कांग्रेस के लिए आसान नहीं दिख रहा है। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि एक वक्त करपात्री जी महाराज का श्राप कांग्रेस को लगा तो अब आचार्य प्रमोद कृष्णम का भी श्राप कांग्रेस को लग रहा है। देखना होगा कि कांग्रेस का आगे क्या कुछ होता है।